सम है 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.3 का, किस तरीके से के ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलीनोमियल बाय जी एक्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस फाइंड जी एक्स, मतलब हमको जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे, इससे पहले का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है 30, उसको हमको डिवाइड करना है 4 से। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, 3 पे 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी ये हमारा क्या है रिमाइंडर यानी कि आर। ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट यानी कि क्यू, इसको हम बोलते हैं क्यू। और ये हमारा होता है डिवाइडर यानी कि जिसे हमको डिवाइड करना है, वो होता है हमारा डी। और ये हमारी होती है वैल्यू जिसको हमको क्या करना होता है डिवाइड, इसको हम मान सकते हैं इसको पी एस, यानी कि यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू है तो ये बड़ी वैल्यू यहाँ पे इस पॉलीनोमियल को हम इस एग्जांपल के हिसाब से समझे तो हम इस 13 को कैसे लिख सकते हैं। 13 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, यानी कि जो यहाँ पर है उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो कितना बढ़ेगा 12, और उसमें रिमाइंडर क्या करते हैं जोड़ दें, उसमें रिमाइंडर क्या करते हैं जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या आता है, दोबारा से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ दें तो हमारा आंसर जो बीच में है वही आ जाएगा, यानी कि 13 = 4 मल्टीप्लाई 3 + 1, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो इस कंडीशन में जो है वो किस तरीके से होता है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है कि तो ये 13 है, ये तो एक पूरी बड़ी वैल्यू जिससे हमको डिवाइड करना है, यानी कि इसको हमको मानना है पी एक्स इक्वल टू। अब ये 4 है जिससे हमको डिवाइड करना है, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है जी एक्स, यानी कि ये क्या है जी एक्स इंटू ये जो 3 है तो यहाँ पर कोशेंट आएगा उसने ही रखा है कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो कोशेंट कितना दे रखा है एक्स माइनस टू, कोशेंट कितना दे रखा है एक्स माइनस टू, यानी यहाँ पर आएगा कोशेंट प्लस क्या होता हमारा ये है रिमाइंडर, तो हमारा ये है रिमाइंडर, ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इस एग्जांपल से मैंने इसको समझा दिया, सिर्फ आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है और अभी हम इसको करेंगे आगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो किस तरीके से पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं साफ कर दूंगा, अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, आपको इसके नीचे पुट करनी है लेकिन मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ किस तरीके पी एक्स, तो पी एक्स को तो मैं एक बार पी एक्स लिख दूंगा, पी एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स, तो पता नहीं है जी एक्स को जी एक्स ही रख लेंगे मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट कितना गिवन है एक्स माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर आर, वो कितना गिवन है रिमाइंडर एक्स माइनस ये माइनस 2x प्लस 4 सॉरी रिमाइंडर कितना गिवन है माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 ये रिमाइंडर गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको साफ कर देते हैं, आपको तो ये कहाँ लिखना था, आपको सॉल्यूशन करोगे तो पहले नंबर पे लिखना है इस फॉर्मूले को, सेकंड लाइन दिया होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे किस तरीके से, अब ये वैल्यू किसकी है प्लस की, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, साइन चेंज हो जाएगी यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 साइन चेंज, माइनस का 2x है तो प्लस 2x, प्लस का 4 है तो माइनस 4 इक्वल, कोशिश करें कि इक्वल के नीचे ही इक्वल का साइन आए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, अब ये सेम टू सेम जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2, अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का x है प्लस का ही 2x, टोटल कितने हो जाएंगे प्लस के 3x प्लस का 2 है माइनस का 4 कितने बचेंगे माइनस का ज़्यादा तो माइनस के 2 बच जाएंगे, ये सॉल्व हो चुका है। अब इस तरफ से टू से जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस, अगर इस तरफ एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके किसकी हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x - 2
डिवाइड हो जाएगा एस माइनस टू इक्वल टू जी एस, मतलब आपको ये वैल्यू चाहिए तो हमको इसको पॉलीनोमियल को इससे क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो हम कर देते हैं एक्स माइनस टू डिवाइड कर देते हैं एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वेयर थ्री एक्स टू, एक्स माइनस टू से वही फॉर्मूला है एक्स को एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स क्यूब बढ़ चुका है लेकिन अब माइनस टू की भी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर के साथ होगी तो माइनस टू एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर के नीचे लिखा जाएगा साइन चेंज, माइनस का थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस का टू एक्स स्क्वेयर तो माइनस का वन एक्स स्क्वेयर बचेगा, ऊपर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट ये तो x है बढ़ाना माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले x से भी सभी ये बनेगा माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करने वाले x की माइनस x से माइनस x स्क्वायर, लेकिन इसकी भी मल्टीप्लाई होगी बाद में माइनस x की तो माइनस 2 की माइनस x की माइनस माइनस प्लस 2x 2x तो x के नीचे लिखा जाएगा x, तो साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 3 में माइनस टू एक्स एक्स माइनस टू एक्स ये साइन चेंज नहीं होगा, अब एक्स है इसको एक्स ही बनाना है यानी कि सिंगल वन से मल्टीप्लाई करनी है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही बनेगा एक्स का एक्स और माइनस टू की भी वन से तो माइनस टू साइन चेंज ये भी कैंसिल प्लस माइनस है तो ये भी कैंसिल जीरो रिमाइंडर, यानी कि हमारा आंसर आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको हमको इससे डिवाइड करना है तो हमारा ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारी किसकी वैल्यू है जी एक्स की वैल्यू है, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन।